गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे हिंदी के टॉपिक के ऊपर शब्द भेद के रूप परिवर्तन के आधार पर। शब्द अपन संज्ञा के आधार पर भेद के देख लिए थे, आज अपन सर्वनाम के आधार पर इसके बारे में बात करेंगे। सर्वनाम जो होता है उसको कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त विकारी शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर एक तो होता है वक्ता, जिसे अपन कहते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अंदर होता है मैं और हम, जो खुद बात करता है वो कहता है उत्तम पुरुष कहलाता है। दूसरा होता है श्रोता, जो सुनता है उसको अपन क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष कहेंगे, जिसके अंदर आएगा तू, तुम, आप, आपने, आप बाहर जाइए, ऐसे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। तीसरा होता है जो इसका अनुपस्थित होता है, जिसको अपन कह सकते हैं वो अन्य पुरुष होता है, यह, वह, आप, यानी कि आपने गोदान लिखा। तो इसके अंदर अपन अगर कोई पूछ सकता है कि इसके अंदर संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया है, इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा नहीं है, क्रिया भी नहीं है, है ना? तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? सर्वनाम, सर्वनाम, है ना? अपन बात करते हैं दूसरा, ठीक है? अभी दूसरा कौन सा है? निश्चयवाचक या संकेतवाचक भी कह सकते हैं उसको, निश्चयवाचक। या संकेतवाचक, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है? ये दूसरा सर्वनाम है जो संज्ञा के साथ में प्रयुक्त किया जाता है। संकेतवाचक भी कहते हैं इसको, निश्चयवाचक भी कहते हैं इसको। पहचानने के लिए हम यह, वह, ये सब देखते हैं इसके अंदर, ठीक है ना? यह, वह, सर्वनाम, संज्ञा इसके अंदर प्रयुक्त होते हैं। तीसरा है अपना अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक के अंदर कैसे एग्जांपल मिलेंगे? कोई, कुछ, इसके अंदर क्या आएगा? कोई, कुछ, इस प्रकार के अनिश्चयवाचक के अंदर आएंगे। तीसरा आएगा निजवाचक, चौथा आएगा निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक के अंदर क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, स्वयं, अपने आप, खुद, इस प्रकार के एग्जांपल आएंगे। स्वयं, अपने आप, खुद, ये निजवाचक के अंदर आएंगे, है ना? अब लास्ट है, एक और है, 5 नंबर, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि इसके अंदर एक किसी दूसरे वाक्य का एक दूसरे वाक्य से संबंध होगा, जैसे कि जो, जिसमें, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे इसके अंदर। जो, जिसमें, जो, जिसमें, मिश्रित वाक्य के विश्लेषण पर आधारित ये उपवाक्यों को जोड़ेगा, दो वाक्य आपस में जुड़ेंगे, जो और जिससे। एक लास्ट है इसके अंदर प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जैसा नाम से स्पष्ट है, कौन, क्या, कैसे, इस प्रकार के एग्जाम्पल आएंगे इसके अंदर। कौन, क्या, कैसे, यानी कि कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा और फिर उनसे पूछेंगे कि आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, इस प्रकार। तो जो ये दो से लगाकर 4 हैं, ये जो होते हैं संज्ञा के साथ में प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के साथ प्रयोग होता है इनका, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक का। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, इसको रफ कर देते हैं, एक जैसे कि आप बाहर जाओ, आप बाहर जाओ, तो ये क्या होगा? आप क्या है यहाँ पे? आप क्या है? आप श्रोता है। आप बाहर जाएं तो यहाँ पे क्या होगा? आप क्या होगा? श्रोता होगा। तो ये क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक के अंदर आप कौन सा था? श्रोता था, तो ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। दूसरा आप प्रेमचंद उपन्यास सम्राट हैं। दूसरा देखो इसको, श्रोता को मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप प्रेमचंद उपन्यास सम्राट हैं, आप प्रेमचंद सम्राट, आप प्रेमचंद उपन्यास सम्राट हैं। इसके अंदर क्या होगा? आप क्या हो जाएगा? आप हो जाएगा श्रोता, है ना। आप प्रेमचंद उपन्यास सम्राट हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? आपने गोदान लिखा, आपने गोदान लिखा, तो इसके अंदर क्या होगा? ये भी क्या हो जाएगा? आपने गोदान लिखा, ये भी आप क्या है? श्रोता है, तो ये अन्य पुरुष के अंदर आएगा। ये किसके अंदर आएगा? ये दोनों अन्य पुरुष, ये है क्या? पुरुषवाचक ही है ये भी, ठीक है ना। पुरुषवाचक के अंदर क्या होगा? अन्य पुरुष। आप किसके अंदर आएगा? अन्य पुरुष के अंदर आएगा, है ना। यह वैन राम का है, ये लिखो, यह वैन राम का है ना। यह पेन, वैन नहीं है ये, वाह है। यह पेन राम का है, तो यहाँ पे यह क्या है? संकेत दे रहा है ये हमें कि यह पेन राम का है। जैसे कि यह पेन क्या है? राम का है, तो संकेतवाचक, और ये निश्चय है पूरा। इसके अंदर क्या होगा? निश्चय भी है। संकेत के अंदर क्या है? ये पेन जो है राम का ही है, एक निश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। ये निश्चयवाचक, संकेतवाचक, यह, ये इस प्रकार पता चल जाएगा। और निश्चयवाचक के अंदर क्या होगा? कोई आया, ये निश्चयवाचक। कोई आया में क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। कोई आया, कौन आया, पता नहीं चला कौन आया, तो क्या होगा? कोई शब्द आया, अनिश्चयवाचक। लिखो, बात करते हैं संबंधवाचक की अपन। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं संबंधवाचक। अब है संबंधवाचक के अंदर क्या होगा? संबंधवाचक पांचवा, इसके एग्जांपल में क्या आएगा? जो और जिससे, जिसमें। वह पेड़ उग आया जो तुमने लगाया था, वह पेड़ उग आया जो तुमने लगाया था, तुमने लगाया था। यहाँ पे जो आ गया, तो इससे पता चल गया अपने को कि ये जो और जिसमें आएगा वो क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक का देख लो एक और एग्जांपल, जैसे कि कौन आया था, तो यहाँ पे कौन क्या है? कौन क्या किसे कैसे क्या गिर गया, यहाँ पे भी क्या है? ये दोनों क्या है? प्रश्नवाचक,
प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार ये हो जाएगा आपके। कल बात करेंगे अपन विशेषण की, और विशेषण के अंदर क्या होता है कल बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।